हेलो दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ लखनऊ सिटी के बारे में। एक ऐसा शहर जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ यह शहर अपने मेहमान नवाजी के कारण भी जाना जाता है। लखनऊ शहर भारत के किसी भी शहर के मुकाबले एक सर्वे के हिसाब से यह शहर भारत का दूसरा सबसे खुश रहने वाला शहर माना गया था। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित रिवर फ्रंट तथा फुआरा इस शहर को चार चांद लगा देता है। वैसे दोस्तों, लखनऊ शहर का इतिहास सदियों पुराना रहा है। अगर हम बात करें लखनऊ शहर के इस घंटाघर के बारे में, यह घंटाघर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। इसे नवाब नसरुद्दीन हैदर ने सन 1870 में बनवाया था। लखनऊ शहर में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं तथा इस शहर का लिटरेसी रेट 82% है। अगर आबादी के हिसाब से बात करें तो यह शहर उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का 11वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है। इस शहर की आबादी लगभग 35 लाख से अधिक है। दोस्तों, अगर हम बात करें लखनऊ शहर के ट्रांसपोर्ट के बारे में तो यह शहर अपने हवाई मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से भी जुड़ा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस शहर की मेट्रो के बारे में तो यहाँ पर मेट्रो सन 2017 से ही चालू कर दी गई थी। तब से यहाँ पर लोग मेट्रो का भी आनंद ले रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, लखनऊ क्रिकेट स्टेडियम बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। यह क्रिकेट स्टेडियम भारत का काफ़ी खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी है। इस क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास माननीय अखिलेश यादव द्वारा कराया गया था, जो कि यहाँ पर इस क्रिकेट स्टेडियम के बनने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने जा चुके हैं। यह पूरी तरह से आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें लखनऊ चिड़ियाघर के बारे में तो यह चिड़ियाघर भारत का सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो तेनू के कबाब, इदरीस की बिरयानी इस शहर का सबसे फेमस फूड है। यदि आप लखनऊ जाते हैं तो यहाँ की बिरयानी खाना ना भूलें। दोस्तों, लखनऊ का अम्बेडकर पार्क लखनऊ शहर का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पार्क में से एक है। अगर बात करें इस पार्क को तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मायावती द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, ये रहा लखनऊ शहर के बारे में कुछ फैक्ट्स। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलता हूँ, जय हिंद।